गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक लोगों ने एक नई खबर सुनी। क्या सुना? सबने सुना कि सूरज का जल्दी ही विवाह होने वाला है। फिर क्या, सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ इधर उधर सब लोग झूमने लगे। बच्चे भी खुशी से नाचने लगे। सारे जंगली जानवर, सारे पशु पक्षी, सब लोग प्रसन्न हो गए कि सूरज का विवाह होने वाला है। पता है कौन सा सूरज? सूरज चाचू, जो रोज सुबह निकलकर हमें धूप दिखाते हैं और चारों तरफ रोशनी फैला देते हैं। जी हाँ, तो उन्हीं सूरज चाचू की शादी की खबरें सुनकर सभी लोग पृथ्वी पर खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन उन सभी में कुछ लोग और भी थे। वो कौन थे? वो थे मेंढक। वो भी बहुत खुश थे और पानी में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, अपनी खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, एक बूढ़ा मेंढक पानी से बाहर निकल कर आया और उन सभी मेंढकों को समझाने लगा और बोला, क्या यह प्रसन्नता की बात है या दुख की? बताओ मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या वजह है तुम्हारे खुशी मनाने की? क्या सचमुच सूरज का विवाह होना हमारे लिए खुशी की बात होगी? सोचो, बताओ। आप भी कमेंट में बताओ, क्या सचमुच सूरज की शादी हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात होगी? सभी को समझ में नहीं आया। फिर बूढ़े मेंढक ने समझाया, देखो, एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। इतनी गर्मी होती है, अब जरा सोचो, जब इस सूरज के दर्जन भर बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, अब इतने सारे सूरज को हम एक साथ कैसे झेल पाएंगे? सोचो सोचो, क्या हाल होगा हमारा और हमारा कष्ट कितना बढ़ जाएगा? क्या सचमुच हम लोग जीवित रह पाएंगे? तो बच्चों, बताओ, क्या उस मेंढक की चिंता बिल्कुल सही थी? क्या सचमुच सूरज का विवाह हो जाए, उसके बच्चे हों, उसका परिवार हो, तो जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु, क्या ये सब लोग जीवित रह पाएंगे? सोचो और कमेंट में लिखकर बताओ। अगर हाँ, तो कैसे? कैसे हम इतनी गर्मी झेल पाएंगे और कैसे यहाँ पर रह पाएंगे? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ।